2010 से 20 का अगर आप वो एक पूरा दशक देखें तो मार्केट ने बहुत कम रिटर्न दिया। हमारे दिमाग में रहता है इक्विटी मार्केट से आपको 15-16% रिटर्न बनेगा, लेकिन वो एक पूरा दशक था जहां आपको 9% भी नहीं मिला। 40-42 साल में जैसे अगर 100 रुपए का 55,000 या 56,000 रुपए हुआ, आप 40 साल में भी 10 सबसे अच्छे दिन मिस आउट कर जाते हैं, तो दो तिहाई रिटर्न निकल जाता है। ये भी बात है कि जब पैसा कमा रहे होते हैं तो तब आप अपने को श्रेय देते हैं कि मैं इतना स्मार्ट हूँ या मैं इतनी स्मार्ट हूँ, लेकिन जब वो क्रैश आता है तब आपको बहुत सारे विलन नजर आते हैं। आप बिल्कुल अनुशासन डिसिप्लिन से वही फॉलो करेंगे तो अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि आपके रिटर्न्स बनेंगे। लेकिन होता ही है कि आप कहते हैं कि ये मैं कर रही हूँ, लेकिन फिर आप अपनी दोस्त की सुनेंगे, टीवी पे किसी को सुनेंगे, कुछ इधर से टिप आएगा, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में आपने वो ले लिया। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ। स्वागत है आप लोगों का आज के एक और धमाकेदार एपिसोड के अंदर। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो पहले भी हमारे साथ जो है शो पे आ चुके हैं और आप लोगों ने उनकी वीडियो को दिया है बहुत सारा प्यार। मैं बात कर रहा हूं इन्वेस्टिंग की दुनिया में एक बहुत ही क्रेडिबल पर्सनालिटी की, जिनका नाम है देवीना मेहरा। देवीना जी फर्स्ट ग्लोबल की फाउंडर, चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। फर्स्ट ग्लोबल एक पीएमएस यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस कंपनी है जो वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग और रिसर्च जैसी सर्विसेज ग्लोबल लेवल पर प्रोवाइड करती हैं। देवीना जी ने अपना करियर सिटी बैंक में शुरू किया। 1993 यानी 1993 में उन्होंने सिटी बैंक को एग्जिट किया और फर्स्ट ग्लोबल को सेटअप किया। फर्स्ट ग्लोबल ना सिर्फ एक लीडिंग सिक्योरिटी एंड रिसर्च फर्म है बल्कि ये एशिया में पहली कंपनी में से एक है जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर दैट इज NASD की मेंबर है। अब बात करते हैं देवीना जी के एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। IIM अहमदाबाद से उन्होंने MBA किया और लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड इंग्लिश। IIM अहमदाबाद में उन्हें गोल्ड मेडल मिला था और लखनऊ यूनिवर्सिटी में उन्हें 7 गोल्ड मेडल्स मिले थे। देवीना जी के आर्टिकल्स दोनों इंडियन और फॉरेन मीडिया पब्लिकेशन जैसे कि वॉल स्ट्रीट जर्नल, CNBC, फाइनेंशियल टाइम्स, फोर्ब्स, फॉर्च्यून एटसेट्रा में छपे हुए हैं। इतना ही नहीं, 2022 में देवीना जी फॉर्च्यून्स मोस्ट पावरफुल वुमेन लिस्ट में भी थी। आज का एपिसोड आप लोग बहुत एंजॉय करने वाले हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें होंगी और बहुत सारा एक्सपीरियंस जो देवीना मैम के पास है हम लोग एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे और काफी स्टोरीज भी जानेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में और स्टोरीज कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं, उस पर एक्शनेबल इंसाइट्स भी लेने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के देवीना मैम के साथ मार्केट की बात ग्रो के साथ। देवीना मैम नमस्ते, एक बार फिर से आपका स्वागत है मार्केट की बात ग्रो के साथ में। कैसे हैं आप? नमस्ते नीरज, बिल्कुल बढ़िया। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बहुत ही सही समय पे जो है आपसे हमें समय मिला है और आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स भी बहुत सारी चीजें आपसे जानना चाहेंगे, सीखना चाहेंगे। सबसे पहली चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी दो तरह की जो है वो बातें चल रही हैं मार्केट्स को लेके। एक जो तबका है वो ये कह रहा है कि अब तो मार्केट पीक आउट कर चुकी है, बेचो और भागो और वेट करो, फिर जब मार्केट नीचे आएंगी दोबारा इन्वेस्ट करेंगे। और एक जो तबका है वो कह रहा है कि नहीं, अभी तो नई हाईज मार्केट ने बनानी है। तो कुछ लोग बुलिश हैं, कुछ लोग जो है वो इस समय ऐसा सोच रहे हैं कि पीक बन चुकी है। आपके थॉट्स मैं जानना चाहता हूँ इस पर क्या है। इसमें सबसे पहले नीरज, ये मेरा मानना है कि जो लार्ज कैप या मेन स्ट्रीम जो इंडेसेस हैं उसमें अभी कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं नजर आता। अगर आप मीडियम टर्म ले, हो सकता है 1-2 महीने कुछ ऊपर नीचे रहे, उस तरह की चीज हो सकती है, लेकिन अभी भी मार्केट इस लेवल पर नहीं है कि हम बोले कि क्रैश का खतरा बहुत बड़ा है। और उसका कारण एक बहुत सीधा सा है कि 2010 से 20 का अगर आप वो एक पूरा दशक देखें तो मार्केट ने बहुत कम रिटर्न दिया। हमारे दिमाग में रहता है इक्विटी मार्केट से आपको 15-16% रिटर्न बनेगा, लेकिन वो एक पूरा दशक था जहां आपको 9% भी नहीं मिला। और उस समय फिक्स डिपॉजिट रेट 8 के करीब होते थे, तो आपको इक्विटी का कोई रिटर्न ही नहीं मिला। वो अगर आपने 100 रुपये 2010 में लगाए होते तो एक दशक के बाद, 10 साल के बाद आपको कुल 230 मिलते, जबकि आपने 1980 में वही 100 रुपये लगाए होते तो एक दशक में आपके वो 700 हो जाते। तो वो इतना बड़ा गैप था। और कोविड लोज के बाद 2020 से मार्केट चला तो सही, लेकिन फिर भी इतना सारा
इस तरह की न्यूज रही कि उसके बाद भी कोई बहुत अधिक कंपाउंडिंग आपको नहीं मिली, तो खतरा तब होता है जब आप ट्रेंड लाइन के बहुत ऊपर चले गए हो, अभी आप ट्रेंड लाइन तक पहुंचे भी नहीं। तो ये तो एक बात है, लेकिन जो मार्केट में हाई रिस्क वाले एरियाज हैं, जो माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, आईपीओ, वहां आपको सोच समझ कर निवेश करना है। वैसे तो लार्ज कैप में भी सोच समझ कर ही निवेश करना है, सेक्टर कंपनी देख के। कई बड़े सेक्टर अच्छे नहीं भी लगते हैं, लेकिन अगर मैं बाजार को देखूं तो मीडियम टर्म में उतना खतरा नहीं लगता। तो हम लोगों ने, जैसे हमारा जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम है, उसमें ये किया है कि हम लोगों ने हेज खरीद रखे हैं कि अगर ये 2 महीने में कुछ बहुत ऊपर नीचे होता है तो उसके लिए हेज खरीदे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि क्रैश का खतरा है। इसलिए आपने कैश कॉल नहीं दिया, कैश में नहीं है, क्योंकि अगर आप कैश में हो, निवेशित नहीं हो, तो मार्केट ऊपर गया तो आप बाहर रह जाएंगे। तो जैसा मैं कई बार कहती हूँ कि मार्केट में निवेश करने का खतरा तो हम लोग सब सोचते हैं, मार्केट में निवेशित ना रहने में भी खतरा होता है कि अगर बीच में मार्केट ऊपर चला गया तो उतना रिटर्न आप फिर कैचअप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये भी हमने काफी लंबे समय का डेटा देखा कि आप 40-42 साल में, जैसे अगर 100 रुपए का 55,000 या 56,000 रुपए हुआ, आप 40 साल में भी 10 सबसे अच्छे दिन मिस आउट कर जाते हैं, तो दो तिहाई रिटर्न निकल जाता है। और अगर आप 30 सबसे अच्छे दिन, मतलब वो औसतन साल में एक दिन भी नहीं है, तो वो आपका जो है 90% रिजल्ट, वो रिटर्न चला जाता है। तो वो जो 56,000 है वो 5,000 रह जाता है। इतना बड़ा खतरा है मार्केट में निवेशित नहीं रहने का। तो जो भी आपका इक्विटी एलोकेशन है, मैं ये कभी भी नहीं कहती कि आप चाहे कितने भी यंग हो कि आप 100% इक्विटी में रखिए, लेकिन जो भी आपका इक्विटी एलोकेशन है, अभी ऐसा समय नहीं है कि आपको इक्विटी से निकल ही जाना है। मतलब अपना एलोकेशन बनाए रखें और रिस्की एरियाज में थोड़ा जाने से पहले ज्यादा रिसर्च करें। जी हाँ बिल्कुल। और वो मतलब स्मॉल कैप की भी हिस्ट्री की शायद अभी आप बात करना चाहें या बाद में बात करना चाहें, वो भी एक चीज है जो लोगों को समझनी चाहिए। खासकर बहुत नए निवेशक भी आए हैं पिछले 2-3-4 साल में, जिनको इतनी लंबी लंबा इतिहास नहीं मालूम कि इस स्पेस में क्या हो सकता है। और बहुत सारे, मैं जरूर जानना चाहूंगा, प्लीज हमें हमें बताइए। और स्मॉल कैप को लेके तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, क्योंकि अभी लोगों को ये लग रहा है कि स्मॉल कैप का मतलब है 40% पर एनम रिटर्न पक्का। तो एग्जैक्टली मैं आप प्लीज, आपके पास जो ये अप्रोक्सीमेटली 40 साल का, 35 साल का एक्सपीरियंस है, उससे आप थोड़ी सी अगर हिस्ट्री बताएंगे तो हमारे इन्वेस्टर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, उतना उतना दूर भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको उस मतलब पिछले 10-15 साल की हिस्ट्री बता दूं, तो अभी मैं देखती हूँ कई सारे माइक्रो कैप, स्मॉल कैप एडवाइजर्स और फंड्स, या कोई भी तरह का आपको जो निवेश की सलाह देते हैं, सब बोल रहे हैं देखिए पिछले 2 साल में मैंने 50% कंपाउंडिंग दिया। तो इस चीज में मैं एक चीज हमेशा बोलती हूँ कि अपना जो आपका स्कूल का गणित है वो मत भूलिए। तो मैं आपको ये बताऊं कि 2008 में जो स्मॉल कैप इंडेक्स का पीक था, वहां से वो लगभग 80% गिरा, 78% टू बी एग्जैक्ट। और एक चीज आप समझ लीजिए कि कोई चीज अगर 80% गिरती है, उसके बाद 5 गुना होती है तो आप 0 पे आते हैं। ये चीज लोग नहीं समझते हैं। तो वो कोई भी आपको कहीं से रिटर्न दिखा देगा कि ये 2 साल में, 3 साल में ये रिटर्न बना, पर उसके पीछे का जो इतिहास है वो आप भूल जाइएगा। और जो 2008 का हाई था, वो 2016 में क्रॉस हुआ, और वो भी एक तरह से कहने की बात है कि 2016 में क्रॉस हुआ, क्योंकि वो तब तक इंडेक्स ही बदल गया था। स्मॉल कैप इंडेक्स ऐसा है जिसमें 18-20% हर साल बदलाव होता है, तो 5-6 साल में वो नया ही इंडेक्स होता है। तो वो जो स्टॉक्स गिरे थे वो कभी वापस ही नहीं आए। और वो एक मतलब ऐसा नहीं था कि वो एक आइसोलेटेड बात है, क्योंकि 2017-18 में भी 1.5 साल बहुत तेजी आई थी स्मॉल कैप में, और 2018-19 में वो फिर से 2/3 लगभग गिरा, 65% गिरा। 2/3 कोई चीज गिरती है तो 3 गुना होती है, आप वहीं पर आते हो। तो कई लोग जो अभी अपना 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बता रहे हैं, उन्होंने ये नहीं बताया कि 5 साल पहले हमने जो हमारे साथ निवेशित थे उनका पैसा 80% या 100% ही ऑलमोस्ट के कुछ केसेस में तो 0 कर दिया था। तो ये एक चीज है। एक और चीज है कि स्मॉल कैप में
देखिए लार्ज कैप में आप स्मॉल आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, उस सब के आप निकल सकते हैं, एक लॉस आपका एक लिमिट से बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पर वो बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो शून्य में विलीन हो जाते हैं। आप ये राइट सोचिए कि आज के दिन BSE NSE मिला के करीब 4,000 4,100 कंपनी ट्रेड होती है, पर IPO उससे कई गुना कंपनीज का आ चुका है। अब तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप 90 के दशक में देखें तो कई वर्ष थे जहां 1200 1300 लिस्टिंग्स हुई और उन स्टॉक्स का कोई अता पता नहीं है। तो स्मॉल कैप माइक्रो कैप में ये हो सकता है। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं तो मेरे से स्मार्ट तो कोई है ही नहीं, जितना पैसा मैंने कमा लिया 1 साल में 1.5 साल में। ये भी बात है कि जब पैसा कमा रहे होते हैं तो तब आप अपने को श्रेय देते हैं कि मैं इतना स्मार्ट हूँ या मैं इतनी स्मार्ट हूँ, लेकिन जब वो क्रैश आता है तब आपको बहुत सारे विलन नजर आते हैं कि सेंट्रल बैंकर्स ने ये किया, नो इस मिनिस्टर ने ये पॉलिसी बदल दी, ये मैनेजमेंट चोर था, वो ब्रोकर ने स्टॉक डंप किया, कुछ भी आपको मिलेगा तब आपको लगेगा वो सारा लक का गेम है। पर एक चीज समझिए कि सक्सेस या सफलता हो या फेलियर हो, दोनों में स्किल भी होता है और लक भी होता है। तो जब चीजें अच्छी कर रही होती हैं तब आपको लगता है कि सब मेरा ही मेरे स्किल से हो रहा है, जब चीजें खराब होती हैं तब आप लक को याद करते हो, लेकिन दोनों जगह लक है। और अब मतलब बहुत रिस्की टेरिटरी में है, स्पेशली जो छोटे बिल्कुल स्टॉक्स हैं। हम लोग अपने PMS में भी जब अच्छा भी लगता है ये एरिया तो हम एक तो 1,000 करोड़ मार्केट कैप से नीचे तो देखते नहीं है, और 1,000 से 5,000 में भी बहुत ही लिमिटेड एक्सपोजर रखते हैं, 15-17% के ऊपर शायद ही कभी जाते हों। उसमें भी बहुत सारे लिक्विडिटी फिल्टर डालते हैं कि ये तो ठीक है कि आप दिखा दोगे कि इतना रिटर्न है, पर आप उस स्टॉक से निकल भी पाओगे या नहीं, ये सबसे बड़ा प्रश्न रहता है। तो वो सोच समझ कर ही निवेश करना होता है। एज अ लेमैन इन्वेस्टर, या जो अभी नए नए इन्वेस्टर्स आए हैं जिन्होंने स्मॉल कैप को एक बेंचमार्क बना लिया कि इतना रिटर्न तो स्टॉक मार्केट देता ही देता है, इस समय उनको कैसे, आपने सारी हमें हिदायतें दे दी, आपने सारी हमें जो है वो वार्निंग्स बता दी कि स्मॉल कैप एक 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 रिस्की स्पेस है और उसमें क्या क्या हो सकता है, आपका कैपिटल जीरो हो सकता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब एक लेमैन के पास क्या रास्ता है अगर वो स्मॉल कैप में भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर रखना चाहता है, वो इंडिविजुअली स्टॉक सेलेक्ट करे या म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाए, इंडिविजुअली सेलेक्ट करे तो जैसे आपने अभी एक पैरामीटर बताया कि मिनिमम 1,000 करोड़ का तो कैप मार्केट कैप होना ही चाहिए, और आपने बातों ही बातों में ये भी बताया कि आप कैसे PMS में 15 से 17% से ऊपर उस रेशियो को नहीं ले जाते, स्मॉल कैप के रेशियो को नहीं ले जाते हैं। एक लेमैन, एक रिटेल इन्वेस्टर इस बारे में क्या एक्शनेबल इंसाइट लेके जा सकता है आज कि मैंने स्मॉल कैप को अप्रोच करना है तो कैसे करना है? फर्स्ट क्वेश्चन, म्यूचुअल फंड के थ्रू जाऊं या डायरेक्ट जाऊं? अगर डायरेक्ट जाऊं तो मैं क्या क्या चीजें ध्यान रखूं, और म्यूचुअल फंड के थ्रू भी क्या क्या चीजें ध्यान रखूं? अगर आपको, अब वैसे जैसे मैंने कहा आप काफी हाई रिस्क के एरिया हो गया है, लेकिन आपको निवेश करना है तो शायद म्यूचुअल फंड ही बेहतर रहेगा, क्योंकि ये स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें काफी अंदर घुसना पड़ता है, उतनी लंबे इतिहास नहीं होता, मैनेजमेंट के बारे में शायद आपको उतना मालूम नहीं हो, और फिर एक ये भी बात है कि ये हाई रिस्क एरिया में हमेशा पोर्टफोलियो अप्रोच फिर भी बेटर रहता है, कि आपने ये नहीं कि खाली 2 ही 3 स्टॉक लिए हुए हैं, अगर आप खुद से लेंगे तो उतना ही कर पाएंगे, तो उसमें फिर खतरा ज्यादा है। तो अगर आपको जो भी अब एक्सपोजर रखना है, मेरा अब इस स्टेज पे बहुत ज्यादा तो इस बारे में रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जो भी आपको रखना है वो बेटर कि आप एक पोर्टफोलियो अप्रोच जो म्यूचुअल फंड अपनाते हैं वहां रहिए। और इंडिविजुअल जहां तक आपकी बात है, मतलब स्मॉल कैप को आप छोड़िए, अगर आपको अपना पोर्टफोलियो बनाना है तो मैं कहती हूँ हमेशा कि आप क्राइटेरिया सोचिए, और 25-30 स्टॉक आपको लगभग लेने पड़ेंगे, और वो भी कोई एक सेक्टर में बहुत ज्यादा निवेश नहीं करना है। जैसे हमको भी कोई बहुत सेक्टर अच्छा लगता है तो कभी ऐसा नहीं होगा कि हमने 40% पोर्टफोलियो उसका उसमें डाल दिया, PMS में या अपने स्मॉल केस में। तो इसलिए वो भी आपको देख के रखना है कि कई ऐसा नहीं कि आपने 15 स्टॉक भी लिए और अगर खाली FMCG और बैंक्स है तो वो फिर 2 ही स्टॉक आप उसको समझिए, तो थोड़ा उसमें डाइवर्सिफिकेशन रखिए। ये भी जानिए कि जितना भी सोच समझ के आप लेंगे उसमें गलतियां होंगी, क्योंकि ये मार्केट का नियम है, क्योंकि आपको भविष्य नहीं मालूम।
भविष्य नहीं राइट मालूम, तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपने सोचा कि अच्छा करेगा और वो अच्छा नहीं करेगा। तो जब वो आपको समझ में आए गलती, तो आप निकल जाइए। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके पोर्टफोलियो के लिए सबसे अच्छी बात ये होगी कि जब भी आप किसी चीज में निवेश करें तो ये सोचें कि ये गलती हो सकती है, क्योंकि इंसान अपनी गलती एडमिट नहीं करना चाहता। तो इसलिए राइट अगर आप राइट वो समझ सकें तो वो एक बहुत बड़ा प्लस है। हम लोग तो खैर कई चीजें करते हैं, तो इसलिए स्टॉप लॉस भी आप जरूर रखिए। हम लोग उस मामले में एकदम रिजिड है। हम लोग जैसे परचेज के टाइम बोलते हैं ह्यूमन प्लस मशीन सिस्टम, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट की तरफ मशीन ही, बिकॉज इंसान की ये फितरत ही होती है कहने की कि मुझसे गलती नहीं हुई, थोड़ी देर और देख लेते हैं, इस स्टॉक के लिए थोड़ा वेट कर लेते हैं, स्टॉप लॉस हिट भी हो गया तो वो उस रास्ते मत जाइए। जो भी आपके क्राइटेरिया हैं, अगर आप किसी प्रोफेशनल के थ्रू नहीं जा रहे, खुद ही कर रहे हैं, तो अगर आपने सोचा है कि मैं ऐसी कंपनी लूंगी जिसमें इतनी अर्निंग ग्रोथ हो, इतना रिटर्न है, जो भी आपके 4-5 क्राइटेरिया है, तो फिर उस पर कायम रहिए। मैंने देखा है कि कई लोगों ने बड़े सिंपल सिस्टम भी बनाए हुए हैं, पर अगर आप बिल्कुल अनुशासन डिसिप्लिन से वही फॉलो करेंगे तो अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि आपके रिटर्न्स बनेंगे। लेकिन होता ही है कि आप कहते हैं कि ये मैं कर रही हूँ, लेकिन फिर आप अपनी दोस्त की सुनेंगे, टीवी पे किसी को सुनेंगे, कुछ इधर से टिप आएगा, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में आपने वो ले लिया, तो अल्टीमेटली आपका पोर्टफोलियो वो नहीं होता जिसमें वो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हो जो आपने शुरू में कहे थे। तो जो भी अपना सिस्टम बना रहे हैं उसको अनुशासन से फॉलो करिए, स्टॉप लॉस रखिए, और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सोचिए कि सेक्टर्स कौन से चाहिए, होने चाहिए, कौन सी कंपनीज, वो सब सोच समझ के। अगर आप उतना सोच समझ के करेंगे तब आपका कुछ चांस है कि वो 25-30 में से 2-3 मल्टीबैगर आपको मिल जाए। लेकिन कोई भी आपको ये कहानी सुनाए कि मुझे आज के दिन मालूम है कि कौन से स्टॉक अगले 10 साल में बहुत अच्छा रिटर्न देंगे, तो वो झूठ बोल रही है या बोल रहा है। वो आज तक दुनिया के इतिहास में कोई फंड मैनेजर, कोई इन्वेस्टर नहीं हुआ जिसकी सब पिक्स काम कर रहे हैं। आप राकेश झुनझुनवाला को देख लीजिए, सैकड़ों स्टॉक लिटरली उसने लिए और वो खाली 3-4 स्टॉक में पैसा बना। वॉरेन बफेट को देख लीजिए, सेम पैटर्न। तो सबको पहले से नहीं मालूम होता। मुझसे लोग पूछते हैं कि मैडम आपने HDFC बैंक और अमेजोन निकाला इतने साल पहले, आप बताइए अगले 20 साल के लिए कौन सा स्टॉक है। मैंने कहा ये किसी को नहीं मालूम रहता कि अगले 20 साल के लिए कौन सा स्टॉक है, ये आदित्य पुरी और जेफ बेजोस को भी नहीं मालूम था। तो राइट आपको सोच समझ के निवेश करना है, और हमेशा अपने निवेश को एटलीस्ट तिमाही में एक बार या जरूर देखिए कि अब यही स्टॉक्स में रहना है या कहीं और रहना है। एक बार इस चीज को भूल के कि मैं इसको होल्ड कर रही हूं। राइट एक क्वेश्चन मेरे पास 3-4 क्वेश्चन निकले आपकी बातों से। एक तो आईपीओ के ऊपर चर्चा करनी है, हेजिंग के ऊपर चर्चा करनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक एक सिचुएशन बेस्ड जो है आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक एक यंग व्यक्ति है, 25-26 साल का व्यक्ति है, और उसने भी अपनी जॉब शुरू करी है, और उसने फैसला कर रखा है कि मैं तो इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगा, लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करूंगा। तो आप लंबे समय से, मेरा मतलब है वो 15-20 साल का होराइजन देख के चल रहा है, क्योंकि 25 साल का है, वो कह रहा है मैं 40-45 साल तक आराम से इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अब वो आपसे पूछ रहा है कि मुझे ज्यादा रिटर्न्स इस लंबे समय को ध्यान में रखते हुए कहाँ पे मिलेंगे, मुझे स्मॉल कैप स्पेस पे मिलेंगे, या मैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू जाऊं, या मैं सिंपली लार्ज कैप फंड्स के साथ जुड़ा रहूं। क्या आप उसको एक सजेशन देंगे कि उसको इस समय क्या करना चाहिए, मार्केट के अंदर किस तरह की अप्रोच अपनानी चाहिए? कभी भी आपको एक एक साइड पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि एज आई ऑलवेज से कि नो थीम लास्ट फॉर एवर, नो ज्योग्राफी, नो एसेट क्लास, नो सेक्टर, नो इन्वेस्टिंग स्टाइल ऑल्सो। आप वैल्यू ग्रोथ ये सब की बात करें तो कोई भी चीज हमेशा नहीं लास्ट करती है। सबसे स्टेडी बिजनेस भी जो हो, जरूरी नहीं कि उसके स्टॉक्स में आपको स्टेडी रिटर्न मिले। तो ये सब मिथ है कि आप एक टाइप का ही इन्वेस्टिंग करें। और जो बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स इसके लिए दिए जाते हैं, चाहे स्टॉक्स के हों चाहे स्ट्रेटजीज के हों, वो सब सर्वाइवरशिप बायस वाले होते हैं। तो जैसे अमेरिका में ये स्टडी हुई थी, तो पहले लगा कि हाँ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ज्यादा रिटर्न देते हैं, क्योंकि उनकी तो उनका इतिहास ज्यादा लंबा है। लेकिन उन्होंने जब उसको सर्वाइवरशिप के लिए एडजस्ट किया, मतलब कि ये नहीं कि जो स्टॉक जो म्यूचुअल फंड आज एग्जिस्ट कर रहे हैं उनकी क्या हिस्ट्री रही, आप शुरू से जाइए कि कौन कौन से फंड लॉन्च हुए थे, उसमें कई इतना खराब किया कि बंद हो गई स्कीम या कहीं मर्ज करना पड़ा, तो
तो अगर आप उस सबको अकाउंट में लो तो कोई भी एक्सेस रिटर्न नहीं आया वहां भी स्मॉल कैप में। वॉलेटिलिटी आपको ज्यादा मिली लेकिन एक्सेस रिटर्न नहीं मिला। तो ये खाली आपको उदाहरण दिए जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पिकअप करके या एक पर्टिकुलर नो स्टॉक पिकअप करके कि हाँ HDFC बैंक ने इतना रिटर्न दिया। बट लोग भूल जाते हैं कि कितने बैंक्स आए जिनको लाइसेंस मिला। HDFC और कोटक का आपको ट्रेजेक्ट्री दिखाई देती है बट वो ग्लोबल ट्रस्ट बैंक भी आया, टाइम्स गारंटी भी आया, सेंटुरियन भी आया, जो सब चले गए। तो हमेशा इस चीज का ख्याल रखिए कि आपको खाली जो सफल हो गया, जो सक्सेसफुल रहा, उसी के उदाहरण दिए जाते हैं। जो स्टॉक शून्य में विलीन हो जाते हैं या इररिलेवेंट हो जाते हैं उनको भूल जाते हैं। लेकिन जैसे कि अभी आप US में देखिए, हम लोग तो 25 साल से ग्लोबल मार्केट्स देख रहे हैं। तो जब 2000 के आसपास टेक की बात होती थी तो टेक का मतलब होता था डेल, मोटरोला, IBM, सिस्को। लोगों को ये याद नहीं होगा कि एक समय था जब सिस्को दुनिया की सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी थी। तो वो अब हम टेक मेजर्स की बात करते हैं तो इन कंपनीज का तो नाम भी नहीं आता है। राइट तो चीजें बदलती रहती हैं। तो आप कभी भी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो कभी भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में लॉक इन मत होइए हमेशा। दिस इज द गोल्डन रूल। कभी थीमेटिक फंड में नहीं कि मैं IT टेक्नोलॉजी विल डू वेरी वेल तो मैं IT फंड में ज्यादा डाल दूंगा या ESG में डाल दूंगा, वो कल की टेक्नोलॉजी है। तो ये सब नहीं, यू हैव टू बी फेयरली वेल स्प्रेड आउट। राइट, मतलब अपने आपको डाइवर्सिफाई करते हुए चलें। हाँ। और जहां मतलब ऐसा ना करें कि एक चीज को अच्छा बना ले, एक चीज को बुरा बना ले, हर चीज का फायदा उठाने की कोशिश करें। मेरे पास कुछ फॉलोअप क्वेश्चन है। HDFC बैंक का जिक्र जो है वो 2-3 बार हो चुका है और बहुत रिटेल इन्वेस्टर्स इस समय जानना चाहते हैं कि ये चल क्या रहा है। पिछले 3 साल में इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑलमोस्ट 0 रिटर्न जो है वो बना के दिए हैं इस स्टॉक ने। बैंक अंदर से अच्छा चल रहा है, जो रिजल्ट्स आते हैं वो ठीक लगते हैं। मर्जर का इम्पैक्ट कई लोग बोल रहे हैं कि इस पर देखने को मिल रहा है। आपके थॉट्स आज की डेट में क्या है? 20-25 साल पहले जो डिस्कवरी थी मैं उसको भी आऊंगा, लेकिन आज की डेट में आप HDFC बैंक के स्टॉक को कैसे देखते हैं? रिटेल इन्वेस्टर्स को इसको लेके कैसे डील करना चाहिए जिन्होंने बहुत अच्छा अमाउंट इसमें इन्वेस्ट कर रखा है या जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि एक अच्छा रन देगा? देखिए, मैं जनरली तो इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात नहीं करती हूँ। मैं ये जरूर कहूंगी कि आज के दिन में हमारे सिस्टम्स को तो बैंकिंग अच्छा नहीं लगता है। तो बैंकिंग हमारा काफी अंडरवेट सेक्टर है। और वैसे तो मुझे किसी ने सोशल मीडिया पे कहा था कि मैडम आप तो अपनी हर इंटरव्यू में बोलती हैं कि आई एम अ नर्वस इन्वेस्टर इन बैंक्स। मैंने कहा बात सच्ची है, मैं बैंक्स और लेंडर्स में बहुत डर डर के निवेश करती हूँ। क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ नेगेटिव सरप्राइजेज ही आते हैं। पॉजिटिव सरप्राइजेस का स्कोप बहुत कम रहता है और नेगेटिव का ज्यादा रहता है। और बाहर बैठे आपको नहीं मालूम चल सकता कि कहाँ पर प्रॉब्लम है, कहाँ क्रेडिट में प्रॉब्लम है, वो आपको मालूम नहीं चलेगा। तो इसलिए वो डर, अगर इंडेक्स में इतना बड़ा वेट नहीं होता तो मैं तो ये सेक्टर देखती नहीं। लेकिन सबसे बड़ा वेट है। और ये भी आप बात देखिए कि पिछले 4 साल में 2020, 2021, 2022, 2023 खाली एक वर्ष था जब बैंक निफ्टी ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया, वो था 2022। अदरवाइज 2020 में सब सेक्टर चले, एक ही सेक्टर नेगेटिव में था, बैंकिंग। 2021 में इंडेक्स 22% ऊपर गया, बैंक निफ्टी खाली 11% ऊपर गया। आप 2022 में देखें तो तब आउट परफॉर्म किया और उस समय एक स्पेशल पीरियड था कि NPA साइकिल आपकी निकल गई, क्रेडिट ग्रोथ ज्यादा है और इंटरेस्ट रेट्स जब बढ़ते हैं तो पहले राउंड में बैंक्स के मार्जिन बढ़ते हैं क्योंकि आप लोन पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हो, डिपॉजिट पे तो धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम से नहीं बढ़ता है। तो वही एक साल था जब हमारे PMS में हम लोग मार्केट वेट टू ओवरवेट थे बैंक्स। बाकी किसी भी साल हम लोग ओवरवेट नहीं रहे। 2023 में भी वही हाल कि जितना इंडेक्स चला बैंक निफ्टी उससे लगभग आधा चला। तो हम लोग अभी अंडरवेट हैं, थोड़ा स्क्यू PSU बैंक्स की तरफ अभी ज्यादा है हमारे पोर्टफोलियोज में। और अब तो थोड़ा सा जैसे जो RBI और फाइनेंस मिनिस्ट्री वगैरह से जो भी आया है उससे ये भी लगता है कि शायद क्रेडिट में भी अब थोड़ा बैड न्यूज आने लगे। तो ये सब कंसर्न है। इट्स अ लेवरेज सेक्टर जिसमें आपका कैपिटल बहुत कम रहता है तो वो थोड़ा भी एसेट क्वालिटी में हिट आता है तो वो एक इशू हो जाता है। तो
मैंने कहा ओवरऑल बैंकिंग इज नॉट समथिंग वी लाइक, देयर आर मच बेटर प्लेसेस इन द मार्केट. तो ये अभी के लिए तो यही व्यू है. आपने बताया था कि हिट मिस रेशियो होता है, मतलब हर शेयर जो आप लेते हैं वो हिट नहीं होता, बहुत सारे मिसेस भी होते हैं। और आपने खुद बोला कि लोग बाग आपसे आके पूछते हैं कि आपने HDFC और अमेजोन को जो है साइट कर लिया था, ऐसे और मल्टी बैगर्स बताइए। तो मैं आपका हिट मिस रेशियो अगर एक एवरेज जानना चाहूँ कि किस तरह से रहता है, कि कितने में से कितने बहुत हिट होते हैं और कितने जो है वो मीडियोकर परफॉर्मेंस देते हैं, एक एवरेज परफॉर्मेंस देते हैं, और कितने जो बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं देते, तो इसको कैसे बताना चाहेंगे? If you have a hit ratio of about not 2/3, 60-65%, that's very good. So, उतने तक आप पहुंच जाइए तो बहुत अच्छा है. तो उसमें कुछ तो होंगे कि जो बिल्कुल ही डेड निकले, तो उसमें से निकल जाइए. हम लोग वही बोला, हम लोग उसमें एकदम क्लिनिकल है. ये स्टॉप लॉस हिट हुआ, निकल जाइए. कुछ बहुत नॉट जस्ट स्टॉप लॉस, हम लोग हर तिमाही रिबैलेंस करते हैं. और हर तिमाही जो प्रश्न हम पूछते हैं वो ये है कि आज मेरे पास कैश हो तो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूंगी. दैट इज द क्वेश्चन. बिकॉज अगर आप शुरू करेंगे कि मेरे पास ये पोर्टफोलियो है उसका मैं क्या करूं, तो आप गलत निर्णय पे पहुंचेंगे. क्योंकि ये भी एक बेसिक बायस होता है कि जो भी चीज आपके पास है आपके लिए उसका वैल्यू या मूल्य ज्यादा हो जाता है. ये कुछ स्टडीज भी हुई थी कि जैसे यूनिवर्सिटी में आधे, एक क्लास में आधे लोगों को एक कॉफी का मग, बहुत साधारण सी चीज, एक कॉफी का मग दिया गया, बाकी आधों को नहीं दिया गया. एक हफ्ते बाद जब पूछा गया कि इस कॉफी मग की क्या वैल्यू है, तो जिसके पास वो कॉफी मग है वो बोलेगा ये 75 रुपए का है, जिसके पास नहीं है वो बोलेगा 50 रुपए का है. तो दैट्स द थिंग. तो वो हमेशा हम लोग बोलते हैं कि आज की डेट में सबसे अच्छी जगह निवेश करने की कौन सी है, वहां पर निवेशित रहो. तो कई बार ऐसा भी नहीं कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, बट जस्ट कि आपको लगा कि अब बेहतर कहीं और अपॉर्चुनिटी है तो आप वहां शिफ्ट कर गए. और उसके ऊपर जैसे मैंने बोला, बहुत सारे रिस्क मैनेजमेंट पैरामीटर्स भी होते हैं. जैसे अब इंडस्ट्रियल्स और कैपिटल गुड्स है, वो हम लोग ओवरवेट है अक्टूबर 2021 से. ज्यादातर लोगों को वो कहानी समझ आई 2023 में. तो आप हर तिमाही पे एक्चुअली हम लोग जो प्रश्न पूछते हैं कि अब हो गया रन कि अभी बाकी है, 2.5 साल होने को आया हम लोग को ओवरवेट उस सेक्टर में हुए. तो हमेशा वो चीज रखिए अपने दिमाग में. कहानी नहीं बनाइए कि ये बहुत ही महान कंपनी है, ये बहुत ही महान मैनेजमेंट है, इसके ये हमेशा ही अच्छा करेगा. ऐसा कोई नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता है दुनिया में. तो आप बिल्कुल अपने दिमाग में कहा, हम कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि आपके जो 5 स्टॉक्स हैं ऊपर के स्टॉक के, वो उनकी जरा कहानी बताइए. हमने कहा हम लोग जानबूझ के अपने दिमाग में कहानी नहीं बनाते हैं. 2021 में केमिकल्स में बहुत पैसा कमाया, लेकिन जब वो सिग्नल आया कि निकल जाओ तो निकल जाओ, फिर आपने अपने दिमाग में उसको बना रखा हो कि ये कंपनीज तो हमेशा ही अच्छा करेंगी, तो आप समय पे निकल नहीं पाओगे और ना ही आप समय पे निवेश कर पाओगे. जो मैं बोल रही हूँ, अक्टूबर 2021 से हमने इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड्स देखा और उसमें ओवरवेट हुए, वो चीज बहुत लोगों को समझ नहीं आई क्योंकि वो 12 साल से बहुत ही खराब परफॉर्मेंस वाला सेक्टर था. 2009 से लेके 21 तक उस सेक्टर ने कुल 2% कंपाउंडिंग दी, 2-2.5%. तो उसके बाद लोगों को लगता है कि ये सेक्टर तो देखने जैसा ही नहीं है, जबकि हम वो चीज अपने दिमाग में वो पूर्वाग्रह नहीं रखते हैं, ना पॉजिटिव साइड पे ना नेगेटिव साइड में, कि अब ये हमेशा से डॉग सेक्टर रहा है तो अब हम इसको देखेंगे ही नहीं. या PSUs भी अच्छा एग्जाम्पल है. 2008 वाला PSU इंडेक्स आपको 15 साल बाद 2023 में देखने को मिला. तो वो चीज आपको निकालनी है दिमाग से. आज क्या अच्छा लगता है, इसी के लिए हम लोग वो बोलते हैं ह्यूमन प्लस मशीन. बिकॉज वो मशीन के दिमाग में कोई पूर्वाग्रह नहीं रहता, तो दे जस्ट लुक एट डेटा. तो डेटा में क्या अच्छा लगता है वो देंगे. बट वही है कि ऐसा भी नहीं कि इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड्स के बहुत सारे स्टॉक्स आ रहे हैं तो हम लोग 40% डाल दें PMS का उसमें. वो हमारा ऊपर से रिस्क मैनेजमेंट रहता है कि सेक्टर एक्सपोजर भी लिमिटेड रखें और ये सब. जैसे अब पिछले साल भर में फार्मा स्टॉक्स बहुत सारे हमारे सिस्टम्स को अच्छे लग रहे हैं, तो लेकिन अब उतना, अगर 10 स्टॉक अच्छे लग रहे हैं तो शायद उसमें से हम लोग 6 ही लें. राइट, ये एक लिमिटेड एक्सपोजर रखते हुए। सेक्टर सेक्टर एक्सपोजर का भी हम लोग रिस्क मैनेजमेंट रखते हैं. राइट मैम, एक IPO की बातचीत भी अभी हमने करी थी, और IPO को लेकर मेरा सवाल ये है कि 2023 तो मेरे ख्याल से IPO ईयर रहा इंडिया के लिए,
राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इंडिया ने वर्ल्ड वर्ल्ड ओवर अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया वॉज दी नंबर वन कंट्री इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ IPOs. बहुत IPOs में शायद पैसा भी बना, बहुत IPOs में पैसा भी जो है वो गया. ऑल्दो आपने अभी बताया कि IPO इस समय एक रिस्की एरिया है, आपका IPO को ओवरऑल एक रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्या थॉट्स हैं IPO को लेके, फिर हम इस पे आगे फॉलोअप क्वेश्चंस लेंगे. हाँ, तो इसमें मैं कहूंगी कि आपको ना अपना मेंटल स्पेस ना अपना ज्यादा पोर्टफोलियो IPOs में लगाना है. कई लोग ये भी देखते हैं कि अच्छा ये IPO में इतना अलॉटमेंट मिला, इसमें इतना, उसके बाद इतने में बेच दिया, तीन गुने पे बेच दिया, पर आपने शायद अप्लाई जब किया होगा वो अमाउंट उससे बहुत ज्यादा होगा. आप खाली अलॉटमेंट वाले अमाउंट से गिन रहे हैं रिटर्न, बट आपने जो अप्लाई किया था आपको उस अमाउंट से गिनना है. एक तो ये बात है. दूसरा इसमें ये जब ये फ्रेंजी आती है IPO में, और दुनिया में बहुत सालों से फ्रेंजी आ रही है, तो 19th सेंचुरी पेरिस के भी देखे हैं कि जब IPO फ्रेंजी थी तो वो लिटरली खोमचे वाला भी आपको प्रोस्पेक्टस बांट रहा था. तो वो उस समय 2021 में भी आप देखें तो वो सो कॉल्ड न्यू एज टेक कंपनीज का एक फ्रेंजी आया था. तो ये पीरियोडिकली आती ही रहती है. तो ये ऐसी चीज नहीं है जिसमें आपको ना बहुत ज्यादा दिमाग ना बहुत ज्यादा पैसा लगाने वाली बात है. लोग इसको लॉटरी समझने लगते हैं कि कंपनी देखनी ही नहीं है, कंपनी अच्छी है बुरी. अभी तो ऐसा है कि अलॉटमेंट मिलेगा तो वो डबल हो जाएगा, तो मैं तो उस प्रोसेस में लगा रहा हूँ. और एक दिन वो द म्यूजिक स्टॉप्स एंड देन यू फॉल ऑफ. सो वो ये क्लासिक बबल बनता जाता है. नॉट टू से कि सब IPO कंपनीज बेकार है, बट दूसरी चीज ये भी होती है कि हाई रिस्क एरिया में द ओनली वे इट कैन वर्क इज एज अ पोर्टफोलियो. बट IPO में आपको कुछ मालूम ही नहीं कि आपको क्या अलॉटमेंट मिलेगा, तो यू कैन नॉट फॉर्म अ पोर्टफोलियो. और अगर कंपनी इतनी अच्छी है तो लिस्टिंग के बाद भी आप देख सकते हैं. वो अगेन एज आई सेड, डोंट यूज टू मच ऑफ योर मेंटल स्पेस, डोंट यूज टू मच ऑफ योर मनी इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स. राइट राइट, बट फिर भी मतलब मैंने जितने रिटेल इन्वेस्टर से बातचीत करी है सबको लगता है कि यार बस थोड़े दिन में 10-15 हज़ार रुपये कमा लेंगे, 20 हज़ार रुपये कमा लेंगे, क्योंकि उसमें लॉट साइज तो छोटा सा ही मिलता है. आप मल्टीपल भी अप्लाई कर लो जो बहुत अच्छे IPO होते हैं, उसमें फिर मिलता भी नहीं है बहुत सारे लोगों को. वही तो कह रहे, मिलता ही नहीं ना. तो आपने जो जितना अप्लाई किया आप रिटर्न गिन रहे हो जो अलॉटमेंट से, पर वो आपने तो जो अप्लाई किया वहां से आपको रिटर्न गिनना है ना. राइट, आपने एक वर्ड यूज किया था हेजिंग, आपने बोला था कि हम अपने पोर्टफोलियो को जो है हेज करके रखते हैं, और हम भी जब रिसर्च कर रहे थे तो हमने सबने देखा कि 75% आपने ऐसा क्लेम कर रखा है कि पोर्टफोलियो जो है वो हेज है. पहले सबसे आसान भाषा क्या होगी समझने के लिए हेजिंग को, सबसे आसान टर्म्स में, मैं समझ लीजिए कक्षा 10वीं का स्टूडेंट हूँ और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि देवीना मैम एक बार प्लीज हेजिंग आसान शब्दों में बता दीजिए क्या होता है, और फिर मैं आपसे हेजिंग के बारे में और बातचीत करूंगा. तो मैं सबसे पहले तो बताऊँ कि हम लोग करते क्या है मार्केट में. हेजिंग का मतलब है कि आप पुट ऑप्शन खरीद रहे हो. आपने पुट ऑप्शन का मतलब होता है, और या इंडिया में ज्यादा ऑप्शन स्टॉक्स के तो लिक्विड नहीं है, तो आपको खाली निफ्टी का ही पुट आप खरीद सकते हो. तो आपने खरीदा है कि अगर जैसे अगर अभी जो भी इंडेक्स है, अगर आपने लेटेस्ट से 21,000 या 21,500 स्ट्राइक का अगर पुट खरीदा है, तो उसका मतलब है कि अगर मार्केट 21,000 से नीचे जाता है तो आपका जो लॉस है वो 21,000 पर ही रुक जाएगा. उसके आप उससे नीचे नहीं जाओगे. ये एसेंशियली ये करके देता है पुट ऑप्शन. सो दिस इज, मतलब वैसे आप ऑप्शन में खेलिए मत, मैं अभी फिर से एक वो भी साथ में वार्निंग लगा दूं. लेकिन ये चीज तो खाली हेज करने के लिए है. इंश्योरेंस का कॉस्ट होता है, सो हम लोग हमेशा हेज नहीं रहते हैं, क्योंकि हमेशा हेज रहेंगे तो उतना कॉस्ट हर समय इंश्योरेंस का देना पड़ेगा. पर जब भी कुछ भी अनसर्टेनिटी लगती है तो हेज खरीद लेते हैं. जैसे रशिया यूक्रेन में जब टेंशन बिल्डअप हो रही थी उस समय हमने हेज खरीदा था, और जब जिस दिन रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई मार्केट 5% गिरा, हम लोग 1.6% 1.6% गिरे. तो वो वहां पर हेज काम आता है. कई बार होता है आपने हेज खरीदा वो ऐसे ही मार्केट गिरा नहीं, तो आप कहें तो एक तरह से वेस्ट हो गया. लेकिन वो वेस्ट हुआ क्या, मतलब वो तो बात हुई कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदी और तबीयत खराब नहीं हुई, उस वर्ष आप हॉस्पिटलाइज नहीं हुए तो वो वेस्ट नहीं हुआ. तो हम लोग हमेशा
अपना बेसिक प्रिंसिपल ये है टू err ऑन द साइड ऑफ कॉशन, बिकॉज इन्वेस्टिंग इज अ लूजर्स गेम, यू विन ओनली इफ यू डोंट लूज। सो ये चीज आप गांठ बांध लीजिए कि आपको सबसे पहले अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना है, उसकी रिटर्न मैक्सिमाइज नहीं करनी है, पहले प्रोटेक्ट करना है कि वो ऐसा नहीं हो कि वो जैसे कोविड टाइम में बहुत सारे फंड 35-40% गिर गए। तो आप ये समझ लीजिए कि एक तिहाई कोई चीज गिरती है तो आपको 50% ऊपर जाएंगे तब आप जीरो पे आएंगे, कोई चीज 50% गिर जाती है तो डबल होने पे आप जीरो पे आते हो। तो ये चीज मत भूलिए, इसलिए अपने खून पसीने की कमाई से को जरा ध्यान से निवेश करिए। एक आजकल ना बड़ा ट्रेंड चला है कि कोई भी, मतलब एक फ्रेंजी आती है। जैसे भी हम बात करें तो क्रिप्टो करेंसी की फ्रेंजी आई थी। अभी आजकल मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि 5 से 6% रिटर्न पर मंथ कमाई है। एक पर्टिकुलर ट्रेडिंग की वो स्ट्रैटेजी बता देंगे, और इस तरह से मैसेजेस आते हैं, कॉल्स भी आते हैं। तो आपको मैम इतना समय हो गया मार्केट में, क्या 5 से 6% पर मंथ किसी भी तरह की इन्वेस्टिंग में, चाहे वो इक्विटी हो, क्रिप्टो हो, या आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग हो, किसी भी तरह की ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में, क्या ये कंसिस्टेंटली लंबे समय के लिए पॉसिबल है 5 से 6% पर मंथ? नहीं पॉसिबल है, मतलब हो सकता है कि आपको कोई एक समय मिले जिसमें वो रिटर्न आ जाए, लेकिन आप कहें प्रिडिक्टेबली एंड विद सर्टेनिटी कि 5-6% आपको मिलेगा, ये एकदम ही फालतू बात है। और अगर किसी के पास ये जादू की छड़ी है कि वो 5-6% कमा ही सकता है तो वो आपको क्यों सिखा रहा है, फिर तो वो आप खुद ही कमा ले। मैं तो देख रही थी बीच में एक किसी का कि 1% खाली 1% दिन का कमाना है तो लगेगा इसमें तो क्या है, इसमें तो कुछ नहीं है, बट अगर आप 1% हर ट्रेडिंग डे पे कमाएंगे तो आपका पैसा 7 गुना हो जाएगा 1 साल में। और मैंने कैलकुलेट किया कि 6-7 साल में आप 10 लाख से भी शुरू करें तो आप दुनिया के एटलीस्ट इंडिया के तो सबसे रिचेस्ट हो जाएंगे। तो जिसके पास ऐसा ऐसी जादू की छड़ी है वो आपको क्यों 2,000 और 5,000 और 10,000 में वो कोर्स पढ़ा रहा है। दिस इज टोटल एब्सर्डिटी। और दूसरी चीज, मैं एक चीज जिससे रिलेटेड मैं कहना चाहूंगी कि कई लोग रिस्क स्पेक्ट्रम के दो एंड्स पे रहते हैं और कई लोग एक से दूसरे पे जंप करते हैं कि आप खाली फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टेड थे, आपने कभी इक्विटी भी नहीं ली। और ये मैंने देखा था 2021 में कि क्रिप्टो ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, रात को उठ के रॉबिनहुड ट्रेडिंग, आप ये करने लग गए। तो दोनों एंड पर, एक्सट्रीम एंड पर मत जाइए, सोच समझ के एसेट एलोकेशन करिए, ठीक से निवेश करिए। मैम कोई ऐसी स्टोरी आपके पास है? क्योंकि मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत बड़ा है, और आपने ऑलमोस्ट अब सब कुछ देख लिया है। ऑल दो बहुत सारी चीज़ें भी और भी आ रही हैं, बट आपने सब कुछ देख लिया होगा। क्या कोई ऐसी हमारे पास, आपको पर्सनली जिनको आप जानते हो, जो एक एक आम व्यक्ति और सिंपली उन्होंने स्टॉक में इन्वेस्ट करके, म्यूचुअल फंड के थ्रू या डायरेक्ट इन्वेस्ट करके, पेशेंस दिखा के, जो आपने बोला ना दोनों, मतलब रिस्क के दोनों एक्सट्रीम स्पेक्ट्रम पे ना रहते हुए, रिस्क के स्पेक्ट्रम पे दोनों एक्सट्रीम एंड्स पे ना रहते हुए, वो बीच में चलते रहे और धीरे धीरे उनकी वेल्थ भी क्रिएट होती रही, एक अच्छी वेल्थ वो क्रिएट कर पाए हों? वो तो मतलब मैं पर्सनली तो ऐसी जो आपको बड़े नाम नजर आते हैं वही मैंने कहा, जैसे राकेश है या और भी कई बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बड़ी वेल्थ बनाई, आप ये भूल जाते हैं कि उन्होंने कितनी जगह इन्वेस्ट किया, वो एक बात है। और दूसरी बात ये है कि आपको ये रियली में समझना होगा कि इक्विटी मार्केट रिटर्न्स आर वोलेटाइल, ये तो हम लोग सबको समझ में आता है कि ये तो लिखा हुआ है, लेकिन आप उस चीज को कितना आत्मसात कर पाए, कितना आप उसको अपने जीवन में ला पाए। तो जैसे राकेश पर एक किताब थी, उसमें वो लाइन उन्होंने ऐसे ही लिखी हुई थी, जो राइटर्स थे उसमें उन्होंने फोकस नहीं किया, पर मेरे लिए उस किताब का पूरा सार उसमें था कि राकेश सेज दैट आई मेड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम 1989 टू 92, आई मेड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम 2003 टू 2007, बट इन बिटवीन देयर वर 5 ईयर्स व्हेन आई मेड नो मनी। सो इफ यू कैन रियलाइज कि इक्विटी रिटर्न्स कैन बी वेरी लंपी, कि आपका सारा रिटर्न 2-3-4 साल में बन गया, फिर 4 साल कुछ हुआ नहीं, तो आप उसमें अगर अपने पे संयम रख सकें और अनुशासन रख सकें तो आपको रिटर्न्स बनेंगी, ये चीज आपको समझनी होगी। क्योंकि मैं देख रही थी डेटा
तो मेजॉरिटी ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स डोंट रिमेन इन्वेस्टेड फॉर इवन 2 ईयर्स. राइट तो वो जब मार्केट में पैनिक आता है, फियर आता है, आप निकल जाते हो. कई बार लोग मेरे से भी पूछते हैं कि मैडम बता दीजिए कब इन्वेस्ट करना है, कब निकलना है. मैंने कहा एक तो आई विल नॉट बी राइट 100% ऑफ द टाइम, बट अगर मैंने बता भी दिया तो आप एक्ट करोगे क्या? नो दैट फॉर एग्जाम्पल एट कोविड टाइम, एंड दिस इज ऑन रिकॉर्ड इन ऑन ट्विटर, कि मार्च 2 आई सेड दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज, वी आर गोइंग टोटली रिस्क अवर्स. तो हम लोगों ने तो अपना सब हेजेस, कैश कॉल, मूविंग मल्टी एसेट में सब इक्विटी से निकल गए, वो सब किया. बट मार्च 23 को वी अगेन वर ऑन रिकॉर्ड सेइंग नाउ इज द टाइम टू इन्वेस्ट. लाइक अगर आप, मैं मार्च 2 को बोलती निकल जाओ, मार्च 23 को बोलती आ जाओ, वुड यू हैव एक्टेड? इवन अभी ये पिछले 2 महीने में भी जब करेक्शन आई थी, करेक्शन के पहले कई लोग बोल रहे थे कि करेक्शन आएगी तो हम निवेश करेंगे, लेकिन जब करेक्शन आई तो उन्होंने निवेश नहीं किया. सो राइट राइट वो डिसिप्लिन टू रिमेन इन्वेस्टेड. बट ऑन द अदर हैंड आई वुड ऑल्सो एड कि ये जो बोलते हैं कि स्टॉक्स को बाय एंड फॉरगेट, दैट्स नॉट अ गुड एडवाइस एट ऑल, बिकॉज स्टॉक्स चेंज. आप ओरिजिनल सेंसेक्स लिस्ट देखिए, टेक्सटाइल, शिपिंग, पेपर, नो जेके ग्रुप, मफतलाल ग्रुप था, पर ग्रुप दैट्स व्हाट डोमिनेट्स, प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स, हिंदुस्तान मोटर्स जो फिएट और एम्बेसडर बनाते थे, वो सब कंपनीज, एंड दे वर नॉट लाइक फ्लाई बाय नाइट कंपनीज. मैंने तो वो भी चेक किया कि ये सब कंपनीज की हिस्ट्रीज, तो पहले जो सेंसेक्स की 30 कंपनी थी, ओनली वन कंपनी हैड अ शॉर्ट हिस्ट्री, विच वॉज इंडियन होटल्स. एवरी अदर कंपनी वॉज डेकेड्स ओल्ड. तो फिर भी वो दो स्टॉक्स वेंट आउट. सो यू कैन नॉट जस्ट यू नो अगेन सर्वाइवरशिप बायस, कि आप आज के दिन देखते हो कि अरे उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने हिंदुस्तान लीवर खरीदा था या HDFC बैंक खरीदा था, काश माय पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हैड बॉट दैट, बट यू आर फॉरगेटिंग ऑल द स्टॉक्स व्हिच वेंट बस्ट. एंड दिस इज अ रियल स्टोरी. यू नो सम टाइम बैक समबडी गेव अस हिज मदर्स पोर्टफोलियो, कि मेरी मम्मी ने 20 साल से देखा नहीं है ये पोर्टफोलियो, आप जरा देख के बताओ. तो उसमें क्या था, DSQ सॉफ्टवेयर, पेंटा मीडिया, NEPC, माइकॉन. सो दैट्स अ रियल बाय एंड फॉरगेट पोर्टफोलियो. तो ये खाली कहानी होती है. तो आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना पड़ेगा. आप सेंसेक्स में देखिए, एक टाइम था बैंक्स थे ही नहीं, बैंक्स क्या फाइनेंशियल्स ही नहीं थे. नाउ दे आर 40% ऑफ द वेट. इफ यू लुक एट द इंडेक्स 20 ईयर्स अगो, इट हैड लॉट ऑफ PSUs. मतलब मेरे ख्याल ऑयल की 3 कंपनीज थी, BHEL, BSNL, MTNL, कितनी. तो late 90s दैट वॉज द मेन काइंड ऑफ पोर्टफोलियोज दैट यू वर फोकसिंग ऑन. सो मेमरीज आर शॉर्ट. सो देर इज अ वेरी गुड बुक बाय जॉन केनेथ गैल्ब्रियथ. इट्स अ वेरी थिन बुक, सो मतलब पढ़ी नहीं है किताब. अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल यूफोरिया. And he says that the characteristic of financial markets is that they forget history. इतिहास याद नहीं रहता है, और इसीलिए वो सेम पैटर्न ऑफ बबल्स रिपीट ओवर एंड ओवर अगेन. राइट राइट. सेक्टर की थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं. मार्केट पीक पे है, ऑल टाइम हाई पे है. कुछ सेक्टर्स आपको ऐसे लग रहे हैं कि जो थोड़े अंडर वैल्यूड है, या जहाँ पे कुछ स्पेस बन रहा है कि यहाँ पे अभी भी जो है हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, या थोड़ा सा अंडर वैल्यूएशन जहाँ पे दिख रही है, कुछ सेक्टर्स आपको ऐसे दिख रहे हैं अभी? देखिए पिछले मैंने बोला कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी अभी भी हमारा सबसे ओवरवेट सेक्टर है. दो हम लोग हर बार देख रहे हैं कि अब उसकी कहानी खत्म हो रही है या नहीं, मतलब बीच में प्रॉफिट बुकिंग की, थोड़ा स्टॉक चेंज किए, पर अभी भी ओवरवेट है. पिछले साल सवा साल में जहां हम लोगों ने एडिशंस किए थे, ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट्स, फार्मा, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन आल्सो, सो दोज हैव आल्सो वर्कड आउट वेल. अब जो एक सेक्टर टर्न अराउंड काइंड ऑफ होता नजर आ रहा है वो है IT, जिसने अभी तक बहुत अच्छा नहीं किया, पर अब लग रहा है कि शायद अब उसका समय वापस आ रहा है. तो अभी हम लोगों ने जो लास्ट चेंज किया है उसमें IT from being slightly underweight, we have become little overweight. Right. मुझे बात जाननी है कि एक एक व्यक्ति को आप कैसे कन्विंस करेंगे इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए फॉर रिटायरमेंट पर्पसेस. इसके दो पहलू हैं. पहलू एक, सबसे पहला पहलू ये है कि हम जब किसी को बोलते हैं कि रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करो, तो बोलते हैं रिटायरमेंट किसने देखी है, अभी मुझे लाइफ इन्जॉय करनी है, मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ, जो होगा देखा जाएगा. और दूसरा पहलू है कि मैं इक्विटी में क्यों इन्वेस्ट करूँ, अगर मुझे रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना है तो मैं FDs में इन्वेस्ट करता हूँ. तो आप कैसे किसी को कन्विंस करेंगे कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए रिटायरमेंट के लिए?
तो वेरी सिंपल, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूंगी कि आप 100% इक्विटी में लगाइए, मैं फिर से बोल रही हूँ। तो अगर आप जैसे ये कैलकुलेशन मैंने कुछ समय पहले की थी कि अगर आप 1 लाख रुपया हर 30 साल तक इन्वेस्ट करते हो एफडी में, तो वो लगभग 75 लाख होता है। और अगर आप बहुत ज्यादा भी नहीं, अगर आप 12-12.5% रिटर्न भी इक्विटी या इक्विटी प्लस प्लस में लेके आओ, तो वो 1 लाख रुपया 30 साल में हो जाता है उससे लगभग 4 गुना, सो ऑलमोस्ट 3 करोड़ के करीब हो जाता है। दैट इज द डिफरेंस, सो दैट्स द डिफरेंस ऑफ कंपाउंडिंग। एंड आई एम नॉट टेकन टैक्सेस इनटू अकाउंट कि वो एफडी में तो टैक्स भी है इवन विदाउट दैट, सो दैट्स द डिफरेंस। एंड ऑल्सो यू विल सी ऑल दोज कैलकुलेशंस दैट यू स्टार्ट सेविंग अर्ली, बिकॉज आप 25 साल में निवेश करना शुरू करो या 30 साल में शुरू करो, आपको जो हर महीने निवेश करना है उसका अमाउंट बढ़ जाता है। या अगर आपको चाहिए कि 60 साल तक मेरे पास इतना पैसा हो, तो आपको जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहिए। अब लोग बोलेंगे मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है, मेरा ज्यादा कुछ बचत नहीं होती है, तो मैं कहती हूँ कि आप जो भी कर सकते हो, 5%, 10%, मैं नहीं कह रही कि 25% से आप शुरू करो, जो भी आप निवेश कर सकते हो वहां से शुरू करिए। और दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हर साल लगभग सभी की आय कुछ बढ़ती है, कोई इंक्रीमेंट मिलता है, कुछ होता है, तो वो इंक्रीमेंट का आप जो है बड़ा हिस्सा निवेश में लगाइए। तो अभी आप 5% कर रहे हो, पर अगले साल जो जो इंक्रीमेंट मिलेगा उसका 70% आप निवेश में लगाना शुरू करिए। तब तो ये रिटायरमेंट तो खैर किसने देखा है वो बात भी ठीक है, लेकिन बीच में भी कई तरह की जरूरतें आती हैं, आपको घर खरीदना है, आपको कोई मेडिकल के लिए चाहिए, तो या नौकरी ही छूट जाए तो आपके पास कुछ तो होना चाहिए। ये तो ये चीज है, मतलब ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग इन एफडीज एंड इन्वेस्टिंग इवन नॉट आई एम सेइंग हाई रिस्क इक्विटीज, बट इक्विटी प्लस सम मल्टी एसेट व्हाटएवर। सो आप बिकॉज कंपाउंडिंग इज द मेन थिंग, कंपाउंडिंग अगर आप थोड़ा भी रेट फर्क होता है तो वो 10 साल में बहुत फर्क पड़ जाता है, 20 साल में बहुत फर्क पड़ जाता है। मैम आप हर साल एक बुक लिस्ट निकालते हैं जिसमें स्ट्रिक्टली आप स्टिक करते हैं अपने बिजनेस ऑफ फाइनेंस और इस तरह की इन्वेस्टिंग और इकोनॉमिक्स वाली किताबों से। मैं जानना चाहता हूँ कि लिस्ट तो एक बात है, कोई एक बुक अगर आप सजेस्ट करना चाहें जो सबको पढ़नी चाहिए, इफ ही इज इनटू इन्वेस्टिंग, इफ ही वांट्स टू लर्न इन्वेस्टिंग, जिसका आपके ऊपर बहुत जबरदस्त इंपैक्ट रहा हो, आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के ऊपर बहुत जबरदस्त इंपैक्ट रहा हो। आई नो इट्स अ टफ क्वेश्चन कि सारी बुक में से एक बुक सेलेक्ट करनी है, बट फिर भी एक बुक अगर आपके माइंड में तुरंत आती हो कि ये तो मैं सबको चाहती हूँ कि सब पढ़ें, सब जाने इस बुक के बारे में। हाँ देखिए, एक तो वैसे मैं जनरली बिजनेस और फाइनेंस की लिस्ट नहीं निकालती हूँ, इस साल तो वो मैगजीन वालों ने कहा कि उस पर निकालिए, मेरी तो लिस्ट बहुत जनरल होती है हर साल, बिकॉज मैं तो बहुत कुछ पढ़ती हूँ, बिजनेस वाला तो थोड़ा कम ही पढ़ती हूँ। लेकिन मैं एक चीज बोलूंगी कि एक किताब जो बिजनेस फाइनेंस की नहीं है, जो मुझे लगता है सब लोगों को पढ़नी चाहिए, वो है बीइंग मॉर्टल अतुल गवांडे की, क्योंकि वो एक तरह से प्रश्न सबके सामने आएंगे। लेकिन जहां आप इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, वो एक तो किताबें हैं जो आपको इन्वेस्टिंग के काइंड ऑफ मैकेनिक्स या न्यूमेरिकल चीज समझाएंगी, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पॉर्टेंट और उतना ही इम्पोर्टेंट तो एटलीस्ट कह लीजिए अपने दिमाग को समझना, बिकॉज आपका दिमाग आपको ट्रिप अप करेगा। तो उसके लिए दो किताबें डैनियल कानामैन की आर अमंग माय टॉप 5 ऑफ ऑल टाइम्स, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो एंड नॉइज। बट ये थोड़ी टफ किताबें हैं, इनकी इनका आप कह लीजिए तो कुछ हद तक कुंजी वर्जन है द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। ओके ये चीज आप समझिए, अपने दिमाग को अपनी थिंकिंग की फैलेसीज को समझना कि कहाँ कहाँ आपका दिमाग ही आपको मिसगाइड करेगा। हमारी टीम ने यह भी बताया कि आप भी अपनी एक इन्वेस्टिंग बुक जो है वो ऑलमोस्ट उसका ड्राफ्ट कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसके बारे में भी जरूर जानना चाहेंगे कि क्या उसमें सीखने को मिलेगा, क्या जानने को मिलेगा। सो ये एक तरह से बहुत ज्यादा मैनुअल टाइप की किताब नहीं है, हाउ टू नहीं है, लेकिन इट इज रियली थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग और थॉट्स अबाउट इन्वेस्टिंग की क्या चीज आपको, जैसे बहुत सारी चीजें जो कही जाती हैं वो सच नहीं होती, जैसे बोलते हैं इन्वेस्ट इन योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस या वैल्यू स्ट्रेटजीज वर्क या जो भी है, तो बहुत सारे उस तरह की चीजें एग्जामिन करी हैं, या जैसे कि हाफ ट्रूथ्स कैन मिसलीड यू मोर देन आउटराइट लाइज, हाउ दैट वर्क्स। तो मेनी ऑफ दीज की आप स्टोरीज अपने दिमाग में बनाएंगे तो
वो आपको कहाँ ले जाएंगी, हम्म, बहुत सारी उस तरह की। और एसेट एलोकेशन ये एक चीज है जो हमने ही बात करनी शुरू की थी 4-5 साल पहले, तो अब लोगों ने थोड़ा सा उसको पिकअप किया, बट वो चीज आप ठीक करिए। बेसिकली थॉट्स मंत्रास ऑफ इन्वेस्टिंग यू कैन से। राइट। तो हम कब कब है रिलीज डेट, कब तक हम एक्सपेक्ट करें कि बुक हमारे पास आ जाएगी? इस साल कल ही मैं एडिटर से हमने मिली थी, तो अभी सितंबर अक्टूबर का टारगेट है। राइट। चलिए मैम, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर बुक, एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने पूछे एंड आपने बहुत आराम से शांतिपूर्वक तरीके से सबके जवाब दिए। आई होप हमने आपको ज़्यादा परेशान नहीं किया रिटेल इन्वेस्टर्स वाले क्वेश्चन पूछ पूछ के। आपका काफ़ी एडवांस आप काम करें, मतलब जो क्वेश्चंस हमने पूछे उससे काफ़ी एडवांस आप लोगों का वर्क एरिया है, बट फिर भी आपने रिटेल इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छे आंसर्स दिए। थैंक यू वेरी मच, एंड मैं चाहूँगा कि आप तो बार बार हमारे शो पर आते रहें और इन्वेस्टर्स को गाइड करते रहें। थैंक यू।